व्यंग रचना का शीर्षक है सबका साथ दो का विकास। सिंहासन पर बैठे राजा ने मंत्री से पूछा, कहो मंत्री जी, राज्य में सब अमन चैन? मंत्री ने झुककर कहा, संपूर्ण राज्य में फुल अमन चैन है महाराज। हर नागरिक अधिकतम टैक्स दे रहा है और न्यूनतम सांस ले रहा है। राजा ने शंका जाहिर की, नागरिक पहले टैक्स दे रहे हैं या पहले सांस ले रहे हैं? मंत्री ने आश्वस्त किया, लोग पहले टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद ही सांस ले रहे हैं महाराज। राजा ने सवाल किया, कोई कम टैक्स देकर ज्यादा सांस तो नहीं ले रहा है मंत्री जी? मंत्री हंसा, आपके राजा होते इतनी पोल थोड़े ही है महाराज। फिर भी कभी कोई बिना टैक्स चुकाए आपके राज्य की जरा सी भी ऑक्सीजन खींचने की कोशिश करता है, द्वार पर खड़े सिपाही की तरफ इशारा करते हुए, तो आपका यह ऐसे किस लिए है? राजा चौंका, ऐसे? ऐसे से आपका क्या तात्पर्य है मंत्री जी? मंत्री बोला, ऐसे ऐसे यानी सिक्योरिटी एडवाइजर। छोटे सेवक को बड़े ओहदे से पुकारा जाए तो वह कभी इंक्रीमेंट और प्रमोशन की डिमांड नहीं करता महाराज। राजा गदगद होते हुए बोला, आप जैसा अर्थशास्त्र तो कौटिल्य के पास भी नहीं था मंत्री जी। राज्य का मीडिया तो सच्चाई के रास्ते पर है ना? मंत्री ने बताया, एकदम सच्चाई के रास्ते पर है। मंगला से सयन तक आप ही की झांकियां दिखाता छापता है महाराज। आपकी कृपा से मैंने मीडिया को शंख में बदल दिया है जो आप ही की फूंक से बजता है। राजा ने सेल्फी लेते हुए पूछा, और आर्थिक विकास? मंत्री बोला, जिन दो धन कुबेरों ने आपको राज पद तक पहुंचाया है उनमें से एक की संपत्ति सवाई और दूसरे की ड्योढ़ी हो गई है। राजा ने श्वेत दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए आक्रोश व्यक्त किया, बड़ा धीमा आर्थिक विकास है मंत्री जी। मैंने आय दुगनी करने का वचन दे रखा है और अभी तक दोनों की संपत्ति सिर्फ सवाई और ड्योढ़ी ही हो पाई है। मंत्री ने व्यवस्था प्रकट की, क्या किया जाए, आपके आर्थिक विकास के मार्ग में खेती बाड़ी वालों ने अपने ट्रैक्टर अड़ा दिए हैं महाराज। राजा ने पूछा, ऐसे व्यवधानों से मेरे श्रद्धालु तो निराश नहीं है ना? मंत्री ने कहा, कतई नहीं, आपके श्रद्धालुओं पर आपका जादू यथावत है महाराज। आपके अलावा किसी देश का राजा अपने श्रद्धालुओं के दिमाग में यह नहीं बिठा सकता कि 1,000 का नोट बंद करके 2,000 का चलाने से काला धन खत्म हो जाएगा। अचानक राजा ने टीवी स्क्रीन पर देखा कि एक नौजवान गले में जूते लटकाए नंगे पैर सड़क पर दौड़ रहा है। राजा ने पूछा, ये टीवी वाले मेरी जगह किसी और का चेहरा क्यों दिखा रहे हैं मंत्री जी? फिर इस नौजवान के पैर नंगे और जूते गले में, यह क्या कौतुक है? मंत्री विनम्रता से बोला, यथा राजा तथा प्रजा। यह नौजवान सेलिब्रिटी है और सेलिब्रिटी जिस प्रोडक्ट का ऐड करता है उसका खुद इस्तेमाल नहीं करता। जैसे आप अपने भाषणों में सत्य पर जोर देते हैं लेकिन खुद कहां बोलते हैं।